मैं हूं नीरज, आप है शिक्षा सुधार के साथ बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में त्रुटियां, और इन त्रुटियों को लेकर जब आम अभ्यर्थी पहुंचे हैं कार्यालय तो मिला है चौंकाने वाला जवाब। और इसको ऐसे समझिए कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो आपने तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो जवाब मिला है बीपीएससी कार्यालय से, आप सुनकर चौंकेंगे। डीवी के बाद फिर से डीवी, ये कहा गया है बीपीएससी कार्यालय द्वारा आम अभ्यर्थियों के सवालों का क्या जवाब मिला। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर वीडियो फुटेज है, एक्सक्लूसिव तस्वीरों से आपको रूबरू करा दें। ये नजारा है बीपीएससी कार्यालय में लगे काउंटर का, जहां जवाब दे रहे थे अधिकारी अभ्यर्थियों के सवालों का। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान तौलना बाकी है, आखिर कब तक आम अभ्यर्थी डीवी डीवी ही खेलते रहेंगे? और जब बाद में फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही है तो सरकार के करोड़ों रुपए अभी क्यों बर्बाद किए जा रहे हैं? आप समझिए कि जिन अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में त्रुटि है, एक दिन का समय देकर सबको अपलोड कराकर और अलग से डीवी करवा लेते तो ये समस्या ही समाप्त हो जाती। पर क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि ज्वाइनिंग से पहले एक बार और डीवी होगा। ऐसे में पूरे वीडियो फुटेज से आपको रूबरू कराते हैं आम अभ्यर्थियों के सवाल। उसका डेट आ सकता है नहीं पोस्ट प्रेफरेंस में मेरा गलती खराब हो गया सर।
देखने वाला, हम ना भरे हैं, बाद में देखे तो देखे ईडीट का टाइम भी जा चुका था। वेरिफिकेशन तो हो गया लेकिन सर चॉइस में 125 फर्स्ट नंबर का था, मेरा तीनों पेपर सही गया जी। सर इतना किए, डिग्री लिए हैं, इतना स्टेट सर भर दिया गलती से, यहाँ सब कुछ का सुधार हो रहा है, जो रोल नंबर भी गलत हो रहा है, उमर सिंह पर उसका भी सुधार हो रहा है। इसके लिए पोर्टल खुला था बीच में एक दो दिन के लिए, प्रिफरेंस कहाँ दिया था नहीं पता, नहीं ये नहीं था, दूसरा डॉक्यूमेंट हम देखे थे, नहीं हम देखे थे, ये खुल भी नहीं रहा था 1-3 तक भी नहीं। सर हम देखे हैं जी, बहुत टेंशन लेकिन सर अतुल सर थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोल रहे थे कि टॉप से बॉटम तक जाएगा, जिसका 11-12 में हो जाएगा उसको नीचे कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी सर बोले हैं कि जो आप फॉर्म भरे हैं उसी के अनुसार मिलेगा आपको। सर दोनों में तो हम फंस गए, टेंशन इतना आवेदन नहीं ले रहे, कोई आवेदन नहीं ले रहे, बस जाएंगे बोल जो आप समस्या बताएंगे जवाब आए, कोई भी बदलाव कोई सबको बदलाव नहीं है, आपकी एक आवेदन आप फिल कर दीजिए। सर कुछ डॉक्यूमेंट लगा के, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगाएंगे, बस एक तो मेल कर दिए हैं इसका एप्लीकेशन का, मेल कर रहे हैं इस संबंध में सर से बात कर लेंगे, जाइए आराम से। तब सर कब मिलेंगे, फिलहाल कहाँ दिलाइएगा सर, तो हम संतुष्टि करो, वैसा कुछ होगा तो सर कहीं पेंडिंग में डाल दिया जाएगा, अगर मेरा तीनों में पेपर अच्छा गया इसलिए हम परेशान है कि 1-5 मिलेगा, इतना मेहनत मेरा बेकार हो गया, जल्दी जल्दी नहीं बता पाएंगे सर, तो आगे मिलने देंगे सर से और ऊपर काम कर रहे हैं, आप ही कह रहे जल्द से जल्द रिजल्ट आए तब ये आगे होगा, अभी कल से टीचर का वैकेंसी नहीं नया तो सब विज्ञापन पड़ा हुआ है, कम से कम 15 के बाकी है रुका हुआ है। सर मेरा सब कुछ सही है, सिग्नेचर गया है, NCL है, सब कुछ मेरा सही है, सब कुछ मेरा सर, केवल सिग्नेचर जो है ना केवी कम करने के कारण सिग्नेचर गायब हो गया, हाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, जो वेरिफिकेशन हो गया उसका मतलब ही नहीं है। हाँ रिजल्ट आएगा ठीक है, रिजल्ट बाद फिर से वेरिफिकेशन, वो तो शिक्षा विभाग अपना बोली है। आपने पूरे माजरे को देखा और समझ चुके होंगे कि फिर से डीबी होगा, ऐसे में कड़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो हम बनाते हैं, पर आप लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।